पूरा उल्टा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे वो हुआ नहीं है। शायद हो सकता है इसमें 5% हमारी गलती हो और 95% सही में जो है वो एग्जाम टफ आ रहा है। दोस्तों पहला शिफ्ट खत्म हो गया, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है, मेरे को लगा कि शायद ये आरआरबी क्लर्क वाला पेपर नहीं है, क्योंकि हमको क्या पता है, हमको 2-3 जो साल का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 80 out of 80 एक मजाक बन गया था, चलो भाई बना ही लेंगे। लेकिन इस बार अगर आप पेपर को पढ़ोगे या देखोगे और रिव्यूज वजह से सुनोगे, उल्टा पड़ गया है। क्योंकि देखो एक और चीज है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नाराजगी भी आपके सामने प्रकट करूंगा। देखो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप सीरियली स्टार्ट किया करो, है ना, मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप सभी को बोला हुआ है कि आप सीरियली करो, आप ढूंढो मत कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ है, आप ढूंढो मत कि मिसिंग सीरीज कहाँ है, ढूंढो मत, आप मत ढूंढो आप, क्योंकि ढूंढने में जो हमारा एक आध मिनट वेस्ट होगा, जैसे मान लो आपने ढूंढ लिया और उसको पकड़ भी लिया कि भैया सिंप्लीफिकेशन आपके 27 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने सिंप्लीफिकेशन को करा, सिंप्लीफिकेशन ही टफ पड़ गया, तो जो एक आध मिनट आपने ढूंढने में समय अपना बर्बाद किया और सिंप्लीफिकेशन जो हम करना शुरू किया और वही टफ था, टफ इन द सेंस कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं आंसर्स और फ्रैक्शन में दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन आरबी क्लर्क प्री वाला नहीं रहा, अब वो एसबीए क्लर्क लेवल का दे दिया है, या आप बता सकते हो कि आरबी पीओ लेवल का आ गया है, तो सिंप्लीफिकेशन टफ आ गया, उसमें हमारा और ज्यादा टाइम लग रहा था दोस्तों। और जैसे हमने उसको, अब सिंप्लीफिकेशन आपने ढूंढ लिया है तो करना तो पड़ेगा, अब जैसे उसको खत्म किया, यूजुअली होता क्या है एक आध मिनट में हम लोग खत्म कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के 5 questions और 6 questions आपको दिखेगा तो, लेकिन इसमें 4-4 minutes 5-5 minutes लग गया। और जब उतना लगा और जब फिर लोग आए डेटा इंटरप्रिटेशन को करने में, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कैलकुलेटिव था, मसलन उसके सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा डेटा और बनाना पड़ता है, क्योंकि और आप सोचिए दोस्तों कि 45 मिनट के समय में हमको कहां टाइम मिलता है कि हम इतना सब कुछ करें, ठीक है। फिर लोगों को देखने को मिला कि अरिथमेटिक प्रोडक्टिविटी आ रहा है, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा कि नहीं भाई अरिथमेटिक हमारा ठीक ठाक बन गया, तो ये जो मिला जुला रिएक्शन आ रहा है इसमें से मैंने कॉमन चीज नोट किया दोस्तों कि हमने सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करा, ढूंढा, जो कि अच्छी रणनीति है, लेकिन अगर वही टफ आ जाता है तो दैट बिकम्स लाइक 50-50, आप फिर आपको ना फिर दिमाग का खेल हो जाता, पूरा आपका दिमाग का खेल हो जाता, कैसे आप उसको संयम पे लाते हो और फिर आप घुसते हो कि चलो आप जो प्लान ए है वो वर्कआउट नहीं करा, प्लान बी पे स्विच करते हैं, तो वो अगर आप दो प्लान लेके घुसे होगे तो डेफिनेटली लोगों ने अटेम्प्ट्स भी अच्छा किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मैंने आज देखा दोस्तों अटेम्प्ट्स गिर गया है, मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट्स गिर गया। आपका कमेंट के सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें और बताएं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने जो देखा है और जो सुना है ना, जो रिव्यूज देखा है और सुना है, इससे तो भयंकर स्थिति मेरे को लग रहा है कि लोगों ने अटेम्प्ट्स जो है वो काफी ज्यादा कम करा है, अगर हम आरबी क्लर्क लेवल को देखें तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, फिर भी मैं आपसे बताता हूं, फिर भी आपकी चांसेस बनती है, फिर भी आपकी चांसेस 100% बनती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, व्हेन आई से इट आई मीन इट, फिर भी आपके चांसेस बनती है। खैर मैं पूरा जो है आपको बताऊंगा कि सेकंड डे का विश्लेषण आप सभी को दूंगा, और सेकंड डे में क्या रही एक्चुअली, जो फर्स्ट डे का हमने जैसे कवर किया, सेकंड डे को मैं चाहता हूँ उसको भी अच्छे से कवर करूँ, लेकिन उसके लिए और रिव्यूज मेरे को पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अटेम्प्ट्स के बारे में शेयर करें, और घबराइए मत, क्लियर होगा, मैं बताऊंगा इसका लॉजिक कैसे क्लियर होगा, ठीक है। और खैर पढ़ाई करो, जिसका हो गया है कंप्यूटर को पढ़ो, कंप्यूटर के लिए 671 pages मैंने डिजाइन करा है, समय नहीं है आपके पास, बस MCQs करो, जो मैंने आपको वन लाइनर नोट्स के रूप में सारे बहुत अच्छे चैप्टर वाइज मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दिया है मात्र 49 rupees में, 671 pages, 4 दिन अच्छे से बैठोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, आई होप कि रात के 8 बजे मैं शायद पब्लिश करूंगा, ऑल टुगेदर समराइज करूंगा, मैं मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे, नमस्कार।